नमस्कार व्यूअर्स, मोस्ट अवेटेड टॉपिक दैट इज हेलो एयरिंग्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट, और इस पार्ट फर्स्ट पार्ट में हम आज इसके बारे में देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन और द नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो नेचर है, बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसा होता है, और इसका रिएक्टिविटी भी क्या फर्क पड़ता है, इसका जो दूसरे रिएक्शन है दूसरे रिएजेंट के साथ इसका इंटरेक्शन अगर कराया जाए तो वहां क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो लेट वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एयरिंग्स। तो अब इंट्रोडक्शन पार्ट में देखो, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, डेराइव्ड कंपाउंड, जैसे बेंजीन रिंग इज द, आप कह सकते हैं, बेसिक न्यूक्लियस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो बेंजीन होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, जनरली उसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। वैसे एरोमेटिक कंपाउंड बहुत हो सकते हैं, नेप्थलीन हो सकता है, एंथ्रासीन हो सकता है, फिनेंथ्रीन भी हो सकता है, मेनी मोर्स कंपाउंड्स, लेकिन जो बेसिक यूनिट अगर हम कहें तो वो है बेंजीन। तो उसी के रेस्पेक्ट में बात की जाती है। तो ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें जनक हाइड्रोकार्बन, जिसमें जनक हाइड्रोकार्बन, मतलब अगर हम बेसिकली यहाँ बात करें तो हम बेंजीन को लेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, वो चाहे होमोसाइक्लिक हो चाहे हेट्रोसाइक्लिक हो, मतलब समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड हो या विषमचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड हो, वो भी हो सकते हैं। ठीक, तो वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु या परमाणुओं से अगर प्रतिस्थापित हो जाए तो जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। ठीक बेटा, मतलब जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स एलिफैटिक एरोमेटिक, एलिफैटिक में क्लू श्रृंखला बन श्रृंखला, हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं जिसमें एरोमेटिसिटी का करेक्टर पाया जाता है। एरोमेटिसिटी का मतलब जो हकेल के नियम का पालन करता हो, जिसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हों, सब सारे के सारे सी बॉन्ड एच इक्विप्लेनर हों, समतलीय व्यवस्था में हों, ठीक है, ऐसी ढेर सारी प्रॉपर्टी है उसमें। तो एरोमेटिसिटी, उसके लिए एक अलग पार्ट हम वीडियो बना देंगे एरोमेटिकता के लिए, लेकिन पहले अभी हम हेलो एरिन्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इस एरोमेटिक रिंग में अगर आप देखें तो वहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन, उसी हाइड्रोजन को हटाने की बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापन उसी हाइड्रोजन का हम करा दें, किसके द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा। हैलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, जनरली एक्स होता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन भी ले सकते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन जो हैलोजन्स होंगे वो यही होंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा अगर हम करा दें, और ऐसा कराने के बाद जो हमें यौगिक प्राप्त होगा वो कहलाएगा एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। द सिंपल वे, सिंपल स्टेटमेंट कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन स्केलेटन बनाएगा, हाइड्रोजन उसकी बॉन्डिंग को सेटिस्फाई करेगा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को हम हटा दें किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा, तो उससे जो हमारा व्युत्पन्न यौगिक प्राप्त होगा वो कहलाएगा एरिल हैलाइड या हेलो एरिन्स। ठीक बेटा, अब इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन आल्सो, तो क्लासिफिकेशन भी कर दे रहे हैं और उसका एग्जाम्पल भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो जो हैलोजन परमाणु है उसकी पोजीशन है कहाँ, जो हैलोजन परमाणु उसकी पोजीशन कहाँ है, उसके बेस पर इन एरिल हैलाइड्स को या हेलो एरिन्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट होता है नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक और दूसरा पार्ट होता है ये पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी यौगिक। ये है न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड और ये है साइड चेन। साइड चेन मतलब जो एरोमेटिक कार्बन है, एरोमेटिक जो रिंग है उसके बगल में कोई कार्बन लगा है और वहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाए। ठीक है, तो दो टाइप हैं, देखो जरा इसमें क्या है। यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ एक्स परमाणु जो है, जो हैलोजन परमाणु है, वो सीधे बेंजीन की बात हम कर रहे हैं बेटा, अभी सीधे बेंजीन रिंग, सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है। ठीक, यहाँ पर जो हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है, तो उसे हम कहते हैं नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये बेंजीन है, अब आप इसमें सर्किल बना दो, यहाँ भी CH 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 सब CH C6H6, इसमें से कोई एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दो, हटा दो कोई एक हाइड्रोजन, चाहे जो हाइड्रोजन, हमने ये हटा दिया और हटा करके लगा दिया हमने X। ठीक है, तो X की जगह पर आप क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ या फ्लोरीन लगा दो,
तो ये जो कंपाउंड है ना, ये जो डिराइव्ड कंपाउंड व्युत्पन्न यौगिक जो प्राप्त हो रहा है, या इसको हम कहें प्रतिस्थापी यौगिक, व्युत्पन्न प्रॉपर नहीं माना जाएगा, ये प्रतिस्थापी यौगिक ही माने जाते हैं। तो ये जो प्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त हो रहा है, इसको आप कह दीजिए एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। अब देखो जैसे ये है, हम बीच में सर्किल बना दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और वैसे अगर हम बात करें तो ये हो गया है C6H6 था, एक हाइड्रोजन कम हुआ तो हो गया C6H5। तो C6H5 कहते हैं फेनिल, क्या बोलते हैं? फेनिल। और ये Cl, तो नाम हो गया फेनिल क्लोराइड। एज इट इज़, अगर आप यहाँ ब्रोमीन लगाओगे तो ब्रोमोबेंजीन, फेनिल ब्रोमाइड। आयोडीन लगाएंगे आप तो आयोडोबेंजीन, और ये हो जाएगा फेनिल आयोडाइड। फ्लोरीन अगर आप लगाओगे, फ्लोरीन, तो हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, FLUORO फ्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा फेनिल फ्लोराइड। ये एज इट इज़, ये टर्म तो वैसे ही है जैसे आप मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड लिखते थे, सेम एज फेनिल क्लोराइड, फेनिल ब्रोमाइड, फेनिल आयोडाइड, क्लियर। तो दिस इज द वन क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसको फर्दर फिर से बांट सकते हैं कि जिसमें एक प्रतिस्थापन हुआ है, फिर द्वि प्रतिस्थापन हुआ है, फिर तीन प्रतिस्थापन हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन और भी फर्दर किया जा सकता है। जैसे ये है, यहाँ हमने लगा दिया दो क्लोरीन, है ना, ये हो गया बेटा क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, इस तरह से। या और भी डाल दो क्लोरीन, तो तीन हो गया है, एक और लगा दो चार हो गया, इस तरह से प्रतिस्थापन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ नाभिक प्रतिस्थापी व्युत्पन्न या नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक ये भी है, लेकिन इसमें हैलोजन परमाणु एक से ज़्यादा हैं, दो हैलोजन है, दो यहाँ पर भी प्लेस चेंज है, इस बार चार हैलोजन हो गए, पाँच है गए। और अगर बेंजीन की बात करें क्लोरीन के साथ, तो वहाँ C6Cl6 भी हो सकता है, मतलब छः के छः कार्बन जो है क्लोरीन के साथ अटैच हो सकते हैं, तो वहाँ C6 तब एडिशन हो जाएगा, क्लियर। अब इसका दूसरा हिस्सा देखो, ये है पार श्रृंखला प्रतिस्थापी यौगिक। पार श्रृंखला का मतलब ये है कि जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ साइड में जो लगा हुआ एल्किल समूह है या कोई कार्बन लगा हुआ है, तो उससे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाए और वहाँ पर लग जाए हैलोजन। जैसे देखो, जैसे ये हम कंपाउंड ले रहे हैं, ये हमने ले लिया CH3, द नेम इज मेथिल बेंजीन, इसको कहते हैं मेथिल बेंजीन, या इसको हम टैलविन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टैलविन, ठीक है। अब इस बेंजीन से जुड़े कार्बन CH3 के पास तीन हाइड्रोजन है, इसका हम इस हाइड्रोजन का एक एक करके अगर हम प्रतिस्थापन कराएं, तो वहाँ से हमें पार्श्व श्रृंखला के प्रतिस्थापी यौगिक या पार्श्व श्रृंखला के प्रतिस्थापी एरिल हैलाइड यौगिक प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें एक कंडीशन है, वो थोड़ा कंडीशन भी देख लो। देखो इसमें जैसे ये मेथिल बेंजीन था ना, H, ठीक बेटा। अब इसमें से तीनों हाइड्रोजन एक एक करके हटाते जाओ, कुछ डराइव्ड कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा देखो, अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो यहाँ CH2 बचेगा, तो यहाँ कुछ लगेगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? हम दो हाइड्रोजन हटा दें, जैसे एक हटाया तो CH2 मिला, दो हटा दें तो CH मिलेगा, CH और इसके साथ कुछ लगा हुआ है अभी, ठीक है। एक केस हम और देख लें, तीनों हाइड्रोजन हमने हटा दिया, बेंजीन जुड़े कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन हमने हटा दिया, और वहाँ पर अब हम लगाने वाले हैं हैलोजन्स। तो हैलोजन लगाने से पहले हम आपको स्केल्टन बता रहे हैं कुछ, कि ये स्केल्टन के लिए टर्मिनोलॉजी क्या है, IUPAC नेम में भी क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो जानना ज़रूरी है। तो बेंजीन से जुड़े कार्बन CH3 के पास
अगर एक हाइड्रोजन हट गया तो वहाँ हो जाएगा CH2। मतलब इतना जो पर्टिकुलर स्केल्टन है, जैसे जैसे अगर CH3 लिखा है तो आप मेथिल बोलते हो, अगर ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH तो क्या बोलते हो आप, विनाइल बोलते हो या वाइनिल। अगर आप ये कहीं लिखा होता है तो आप क्या बोलते हैं, एलिल बोलते हैं ना। ये मेथाइल हो गया, ये मिथिल या मेथाइल, ये विनाइल या वाइनिल, ये एलिल बोलते हैं इसको। ऐसे ही इसके स्केल्टन के, इस तरह के स्केल्टन के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी IUPAC में इस्तेमाल की जाती है। वो क्या है, तो ऐसा अगर है तो उस केस को हम बोलते हैं बेंजिल। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजिल। तो C6H5CH2 का अगर स्केल्टन मिलता है, द टर्म विल यूज इट बेंजिल। CH है तब बेंजिल, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बेंजीन जुड़े कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे, बेंजो। समझ में आ रही बात कुछ, ये केस है। दिस इज द बेंजिल, बेंजल, बेंजो, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। ये बेंजिल है, ये बेंजल और ये बेंजो। अब इसके एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो ये हमने लगा दिया CH2Cl, अब नाम क्या होगा, बेंजिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा बेटा, बेंजिल क्लोराइड। इतने के लिए तो आप बेंजिल बोलोगे, बेंजिल बोलोगे, और ये हो जाएगा Cl, तो बेंजिल क्लोराइड। ठीक, बेंजिल क्लोराइड। वैसे दूसरा नाम भी है इसका, लेकिन पहले आप ये देखो, बेंजिल क्लोराइड। अगला देखो, इसके लिए अगर हम यूज करें CH Cl Cl, तो दो बार क्लोरीन है ना, दो बार क्लोरीन, तो हम बोलेंगे बेंजल डाई क्लोराइड, बेंजल डाई क्लोराइड, बेंजल डाई क्लोराइड, एंड दैट वाज बेंजिल क्लोराइड। ठीक बेटा, बेंजिल क्लोराइड, बेंजल डाई क्लोराइड। और यहाँ देखो, अगर हम तीनों जगह हटा करके यहाँ लगा दें Cl Cl Cl, तो जगह बेंजो ट्राई क्लोराइड, द नेम विल बी बेंजो ट्राई क्लोराइड। ठीक बेटा, तो बेंजिल क्लोराइड, बेंजल डाई क्लोराइड और बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये डाई और ट्राई का टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे ये कंफर्म हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ क्लोरीन लगा, यहाँ ब्रोमीन लगा है, तब हमें अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोरोब्रोमाइड या ब्रोमोक्लोराइड, इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर डाई लगा रहे तो इट मीन्स दोनों जो वैलेंसी इम्बैलेंस थी वो क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हुई है, क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित होकर लग गया। यहाँ तीन क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, समझ गए। दिस इज बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और ये बेंजो क्लोराइड। ये भी एरिल हैलाइड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी यौगिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो तीन टर्म याद रखो, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। ये टैलिमेन हो गया, CH3 बेंजीन, बेंजीन पर CH3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन हटाओ CH2 लग गया। इस इतने हिस्से को क्या बोलोगे आप, बेंजिल। एक और हाइड्रोजन हटाओ तो CH बचेगा, दो वैलेंसी बचेगी, तो वहाँ हो जाएगा बेंजल, बेंजल। और अगर तीसरा हाइड्रोजन वो भी हटा दिया तो क्या हो जाएगा, बेंजो। तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो। क्लियर। अब दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोएरीन्स। अब हम बात करेंगे द नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स। अब नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स, सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड, कार्बन से जुड़ा जो हैलोजन है उसका नेचर कैसा होता है और उसका रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखें, जैसे अगर एक तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक के पहले हेलो एल्केन को लेकर के, और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है ARX नंदली। अभी हम नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक ही बता रहे हैं बेटा, पार्श्व श्रृंखला वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पार्श्व श्रृंखला की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन एरिल हैलाइड की बात कर रहे हैं जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। हैलोजन परमाणु सीधे सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। ठीक, हम जो बेंजीन, जैसे भी हम बेंजिल, बेंजल, बेंजो की बात करते हैं, उसकी उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी के बारे में अभी हम चर्चा नहीं, पहले इन दोनों के बारे में हम कंपेयर कर लें। ये सिंपल एल्किल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड, ये है आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और ये है बेटा एरिल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो ये हैलोजन अगर लगा है, और आप जानते हैं हैलोजन, कोई भी हैलोजन परमाणु उसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी 1 होती है, तो एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट करने में 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं वहाँ, एंड दे एक्ट एज अ लोन पेयर, है ना, ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं हैलोजन के पास। अब ये हो गया एल्किल हैलाइड केस, अब यहाँ देखो जरा ये, चलो हम ऐसे दिखा रहे हैं, बेंजीन का ही हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, एच लगा हुआ है वहाँ, ठीक, सबके पास है, एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, वहाँ लगा दिया हैलोजन, 3 लोन पेयर यहाँ भी है, ठीक। अब इन दोनों कार्बन का जो नेचर है, मतलब इस बॉन्ड का नेचर, इस बॉन्ड का नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक बेटा, ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड का नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है। अब आप कहेंगे डिफरेंट क्यों हो गया, यहाँ भी कार्बन जुड़ा हैलोजन और यहाँ भी कार्बन जुड़ा हैलोजन है, फ़र्क यहाँ ये है कि ये हैलोजन और ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ना, उस कार्बन का नेचर अलग है, ये हैलोजन और ये हैलोजन जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूट होकर के अटैच है डायरेक्टली, उस कार्बन का नेचर अलग है, और इस कार्बन के नेचर के अलग होने के कारण, इस कार्बन की प्रकृति के भिन्न होने के कारण, जो ये बॉन्ड है सी बॉन्ड एक्स, इसका भी नेचर क्या हो गया है, बदल गया है। अब देखो कैसे, ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। अभी हमने इसके पहले बात बताई थी आपको कि जो एरोमेटिसिटी होता है उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन होते हैं वो सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्या होते हैं बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज। हाउ कैन वी कंसीडर, देखो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा मिल जाएगा और एक सिग्मा यहाँ, तो 3 सिग्मा हो गए, तो 3 सिग्मा हो गए, तीनों काउंट कर लो, 3 बॉन्ड पेयर हो गए ना यहाँ पर, 1 2 3 काउंट कर लो तो क्या मिल जाएगा आपको, 3, तो जितने सिग्मा वही संकरण, जितने सिग्मा वही संकरण, तो हो गया 3 सिग्मा, sp2 संकरण आ गए, यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3 4, तो sp3, ठीक, वैलेंसी कार्बन की यहाँ भी पूरी है, यहाँ भी पूरी, यहाँ पाई बॉन्ड से पूरी, यहाँ चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड से पूरे, ठीक है इतना। अब ये जो sp3 संकरण कार्बन है और ये sp2 संकरण कार्बन है, इसी के बेस पर अगर हम देखें तो यहाँ S करेक्टर आ जाता है, S लक्षण, तो S लक्षण अगर आप देखेंगे, जैसे ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 मेन हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp sp2 sp3, ठीक बेटा, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ 3 और यहाँ 2 ऑर्बिटल, टोटल 100 अगर मान लें, टोटल 100 मान लें, उसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें तो S के हिस्से में कितना परसेंट आएगा, 25%, क्योंकि 75% कौन ले जाएगा, P ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होगा, यहाँ 3 ऑर्बिटल हैं S और 2 P के, तो टोटल 3 हैं, लेकिन S के हिस्से में कितना आएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 3, तो 33.33%। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि S का केवल एक ही ऑर्बिटल तो है और वही तो पार्टिसिपेट कर रहा है, P वाले के केस में कभी एक पार्टिसिपेट करता है, कभी दो पार्टिसिपेट करता है, कभी 3 पार्टिसिपेट करता है, लेकिन S वाले केस में तो सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो ये 25% हो गया, S के हिस्से में कितना परसेंट, 25%, P के हिस्से में यहाँ पर बेटा 33.33%, यहाँ पर 50% पोर्शन पार्टिसिपेट कर रहा है S का, P का जो पार्टिसिपेशन है S के पार्टिसिपेशन के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, घट रहा है, देखो जरा यहाँ पर P वाले का हिस्सा कितना है, 75, यहाँ कितना है 66.67%, और यहाँ बेटा 50%, ठीक, तो ये तो हो गया P करेक्टर, इसको बोलते हैं P करेक्टर, इसको बोलते हैं S करेक्टर, तो S करेक्टर की बात हम कर रहे हैं, S लक्षण। अब हमारे पास जो केस है उसमें दो बन रहे हैं, एक sp3 और एक sp2, तो इन दोनों को हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक फैक्ट जरूर याद रखिए आप, दो ये जो बात बताने वाले हैं, जो ये जो संकरण की बात हम कर रहे थे, ये सेम एटम या सेम एलिमेंट के लिए हम कंसीडर करते हैं, मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो वहाँ पर आपको रिएक्टिविटी पैटर्न देखना हो तब हम ये लक्षण उठाएंगे। अगर एलिमेंट ही अलग है तो उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उनकी एटॉमिक रेडियाई, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब तो पहले से डिफर है, तो उनकी इस प्रॉपर्टी में हाइब्रिडाइजेशन या इस करेक्टर का कोई रोल वहाँ नहीं होता। ये जो S करेक्टर वाला रोल है ये तब अप्लीकेबल होता है जब एटम सेम हो, जैसे यहाँ पर भी ये भी कार्बन और ये भी क्या है, कार्बन है,
हेलोजन हेलोजन जो है उन दो जो लगे हैं वो सेम है। हाँ, ये जो कार्बन और ये जो कार्बन है इसका जो नेचर है, इटसेल्फ नेचर, हाइब्रिडाइजेशन नेचर वो चेंज है, जिसके कारण इसका जो इससे जुड़ा जो हेलोजन है उसके बीच का बॉन्ड भी बदल गया है। तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एस लक्षण, एस कैरेक्टर के बेस पर। तो हमारे पास एक केस है sp3 का, दूसरा केस है sp2 का। sp3 वाले में 25% एस के हिस्से में आ रहा है, या हम कह सकते हैं यहाँ एस लक्षण कितना है 25%, और यहाँ एस लक्षण कितना है 33.33%। एक बड़ा फैक्ट याद रखिएगा, सेम एलिमेंट के लिए ये होता है, एस करेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। एस करेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब इसका एस करेक्टर 25% और इसका एस करेक्टर 33.33%, या इसका एस करेक्टर है 25 और इसका 33.33%। ठीक, तो किस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, इसकी की उसकी, उसकी। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, दिस इज चाई फॉर कार्बन, वो इसके रेस्ट इस sp3 संकृत कार्बन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। अब sp2 संकृत कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है अगर वो ज़्यादा है, sp2 संकृत कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो उसकी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी तो ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का तो तात्पर्य यही होता है ना कि दूसरे परमाणु के नाभिक से जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भी अपनी ओर खींच ले। तो अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ड्यू टू एस करेक्टर अगर ज़्यादा है तो ये जो बॉन्ड होगा ये कार्बन की तरफ खिंचा हुआ होगा। कार्बन की तरफ क्या होगा, खिंचा हुआ होगा। ये आप ऐसे कह सकते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। इसकी बंद दूरी ज़्यादा और इसकी बंद दूरी क्या होगी बेटा, कम। इसकी बंद दूरी ज़्यादा और इसकी बंद दूरी कम। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। एस करेक्टर के बारे में हमने बात किया आपसे, ठीक बेटा। 25% 33.33% ये भी होता है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ दो एग्जांपल है तो सिर्फ इसी की बात हम कर रहे हैं। तो sp3 sp2 जिसमें sp2 संकृत कार्बन की ऋणात्मकता विद्युतात्मकता sp3 संकृत कार्बन ज़्यादा होने के कारण ये जो बॉन्ड है वो कार्बन की तरफ ज़्यादा खींचा हुआ होगा। अर्थात ये जो लेंथ है बॉन्ड लेंथ वो छोटा हो जाएगा और ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ खिंचाव ज़्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ छोटा और ये बॉन्ड लेंथ बड़ा। क्लियर, एक रीजन तो ये है। एक बड़ा फैक्ट और होता है और वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ अनुनाद शुरू हो जाता है। तो वो भी देखो क्या होता है यहाँ हम बना रहे हैं, ये है कार्बन। तो अब देखो रेजोनेंस कैसे है, ये हमने स्ट्रक्चर कुछ ड्रॉ कर रखा है, अभी हम देखते हैं क्या होता है। अनुनाद की बात हम कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। अनुनाद मतलब सिंपल हम कहते हैं डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज का अगर विस्थानन होना शुरू हो जाए, विस्थानन मतलब एक क्रम से स्थान परिवर्तन होता रहे इन बॉन्ड्स का, पाई बॉन्ड का या पाई इलेक्ट्रॉन्स का, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का या नेगेटिव चार्ज का या पॉजिटिव चार्ज का अगर विस्थानन होता रहे तो उससे जो संरचनाएं प्राप्त होती हैं वो कहलाती हैं अनुनादी संरचनाएं। और जो ये जो इंसिडेंस हुआ है, जो घटना हुई है, उसे हम बोलते हैं अनुनाद, रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस हेलो एरिन्स में अनुनाद की सारी संभावनाएँ मौजूद हैं। कैसे, अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ लोन पेयर का भी अल्टरनेशन है। मतलब लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड सो ऑन। ये जो पैटर्न चल रहा है ये हमें हेल्प करेगा इसकी अनुनादी संरचना को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। ये है पाई ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये अब यहाँ शिफ्टिंग हो रही है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर जाएगा। क्यों जाएगा, अभी हम आपसे बोल चुके थे कि ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन दिस कार्बन। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इस कार्बन की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये वो बड़ी आसानी से रिंग की तरफ चला जाएगा और वहाँ से डीलोकलाइजेशन शुरू हो जाएगा, विस्थानन शुरू हो जाएगा। क्या बोलेंगे बेटा, विस्थानन शुरू हो जाएगा। जब ये यहाँ बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक, अब इसकी शिफ्टिंग से क्या होगा, देखो
ये, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक, ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे बना रहेगा, बना रहेगा। अब फिर से डीलोकलाइजेशन देखो, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर रिंग की तरफ आएगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इसके सेंटर की तरफ। ठीक, इससे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है बेटा ये एज इट इज़ ये तो बना ही रहेगा, यहाँ एक बॉन्ड आ गया, यहाँ एक बॉन्ड आ गया, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। क्लियर, अगली बार फिर शिफ्टिंग देखो, ये पाई बॉन्ड यहाँ, अल्टरनेशन, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी बात कि अल्टरनेशन हो रहा है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव कर रहा है तो जैसे मूव करेगा तो कार्बन की वैलेंसी पेंटावैलेंट होने की हो जाएगी, और ये तो पॉसिबल नहीं, तो पाई बॉन्ड फिर से शिफ्ट कर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज में डेवलप हो जाएगा, फिर इधर डेवलप हो तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो अब की बार क्या हुआ, समझ रहे, और ये तो रहेगा ही रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। क्लियर, एक बार और बना दो, तो ये बॉन्ड यहाँ हो गया, ये बॉन्ड यहाँ हो गया, ये लगा हुआ है। क्लियर, ठीक, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराओ और ये वाला पाई बॉन्ड फिर से इसको दे दो, तो यहाँ ये इधर चला आया और ये यहाँ आ गया। क्लियर, अब एक चीज़ और देखो, जब ये लोन पर इसका रिंग की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी तो नेगेटिव है, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ हम लिख दे रहे हैं पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव। ठीक बेटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ बना रहेगा और रिंग पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, पोजीशन नंबर दिस, दिस एंड दिस। ठीक, इसको बोलेंगे पोजीशन नंबर 2, 4, 6। ओके, कार्बन नंबर एक ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो बात वही है, तो यहाँ से काउंट किया तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 4, 6 पे क्या है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या है, हेलोजन पर। क्लियर, अब इनका रेजोनेंस का एरो बना दो, ये हो गया, तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एरिल हैलाइड, ये हैं अनुनादी संरचनाएं, किसकी, एरिल हैलाइड की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, गॉट इट बेटा। अब इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना दे रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इनमें एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा है, देर इज नो एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो व्हाट विल बी द एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर विल बी द मिक्सिंग ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन सभी अनुनादी संरचनाओं का मिला जुला रूप होगा जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनादी संकर, जिसका अस्थायित्व इन सभी अनुनादी संरचनाओं से कहीं ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है, उसकी एनर्जी होती है वो कम होती है, और इन सबकी एनर्जी उससे कहीं ज़्यादा होती है, तो एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसलिए जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कहीं ज़्यादा होगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड ये है केस, तो यहाँ ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहा है, ठीक, यहाँ पर माइनस 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 एज इट इज रिंग पर, और ये हैलोजन डॉटेड एक्स, और इस पर आप कह दीजिए पार्शियल पॉजिटिव का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये एक ही बार नहीं होगा, ये जो हमने तीनों जगह पे दिखा दिया वो एक ही टाइम पे तीन जगह नहीं हो जाएगा, अदरवाइज आप कहेंगे कि 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, ये कैसे होगा, हमेशा 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, नेगेटिव चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, ये अनुनादी संकर हम दिखा रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि यहाँ कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, कहाँ कहाँ जाएगा, अदरवाइज़ अगर हमें उस तरह से दिखाना हो दैट इज़ द गुड स्ट्रक्चर, बट ये नेगेटिव यहाँ भी हो सकता है और ये नेगेटिव यहाँ भी हो सकता है, तो इसलिए तीनों एक साथ दिखा रहे हैं, लेकिन इसका आप अर्थ उस तरह से मत सोचिए कि 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, नहीं नहीं, एक पार्शियल नेगेटिव तो 1 पार्शियल पॉजिटिव ही डेवलप होगा, 1 पार्शियल नेगेटिव तो 1 पार्शियल पॉजिटिव ही डेवलप होगा, बट सिंपली उसको शो करने के लिए कि नेगेटिव जो चार्ज है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है अनुनादी संकर, रेजोनेंस
हाइब्रिड, हाइब्रिड, ठीक बेटा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो जो कार्बन और हैलोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड जो हमें दिख रहा था, सिंगल बॉन्ड, वो एज इट इज डबल बॉन्ड, प्योर नहीं बट कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड के फॉर्म में चेंज हो गया है। यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं। तो आप खुद जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड है उसकी लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। डबल बॉन्ड वाले की लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, और सिंगल बॉन्ड वाले की लेंथ बड़ी होगी। डबल बॉन्ड विद रिस्पेक्टिव, पूरे बॉन्ड को तोड़ने की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। रिएक्टिविटी पैटर्न की बात हमने इसमें नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बॉन्ड को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो डबल बॉन्ड का जो दोनों बॉन्ड है उसको तोड़ने की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होती है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। तो बंध वियोजन ऊर्जा सिंगल बॉन्ड की कम और डबल बॉन्ड की, रिएक्टिविटी नहीं, हम सिग्मा और पाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो एरिल हैलाइड का जो हैलोजन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, जो एरिल हैलाइड का जो हैलोजन होता है, एरिल हैलाइड का हैलोजन एल्किल हैलाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। आई रिपीट इट अगेन, एरिल हैलाइड का हैलोजन एल्किल हैलाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। एरिल हैलाइड का हैलोजन कम क्रियाशील, एल्किल हैलाइड का हैलोजन ज़्यादा क्रियाशील। आई रिपीट इट अगेन, एरिल हैलाइड का हैलोजन कम क्रियाशील और एल्किल हैलाइड का हैलोजन ज़्यादा क्रियाशील, ठीक है। तो दिस इज़ सफिशियंट फॉर दिस पार्ट ऑफ हेलो एरिन्स। अगला जो पार्ट हम लोग बना रहे हैं, बताएंगे आपको, वो होगा डायरेक्टिंग इफेक्ट या डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, दैशिक प्रभाव हम कहते हैं उसके बारे में, जिसमें हम प्लस एम और माइनस एम के बारे में बात करेंगे, और फिर हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।